Yashomati Maiyaa ke Nandlala. जब तक पत्थर इन लताओं में उलझा हुआ है, मुझे मैया और बाबा को घर भेजने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। भला पटके से जे गैयाओं की रक्षा कैसे करेगो? अरे चना कहाँ गया जो इसमें रखा था? चिपंसी क्या कर रहा है? अपनी धुन में जे क्या ध्यान रखेगो काना का? तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? जे ही कि हम क्यों ना काना के पीछे पीछे प्रतिदिन यहाँ आ जाया करें। विचार तो अच्छा है, जब भी काना निकला करेगो उसके पीछे पीछे आ जाया करेंगे। कहाँ गए हो काना? हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुनो 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 गोपालक मंडी सुनो। अब क्या करने लगो? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ काना? छोटी माँ की स्मृति आ रही है। वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। काना क्या हुआ? अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभाल ना होता दाऊ तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप से गजू कर पाऊं, गजू बन पाऊं। बाबा जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तो मैया का लाडला, भैया का लाडला कह के चढ़ाएंगे मुझे। मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी, केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर गोवंश के हाथ मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणा व्रत नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं। काना ठीक कह रहे हो यशोदा, तुमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे, अपने दायित्व का भार ना उठाने दे रहे इसे। तुम सब कुछ अपने आप संभाल ले दो बाबा, करके देखूंगा तभी तो सीखूंगा। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हो उससे उत्तम। छिप जाओ
क्या बाबा आपकी अंगुली पकड़ के जीवन भर चलता रहूं? आपका मौन बता रू है, अपना निर्णय ना बदलोगे आप दोनों तो ठीक है, मैं ही घर लौट जाता हूँ। ठहर जा कान्हा, हम घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो, हाँ भोजन समय पे कर लियो, और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। और अब हम तुझे तंग ना करेंगे कान्हा, तुझ पर विश्वास करेंगे। तो इन्हें भी साथ ले जाओ अब। ना, वंशी कहीं ना जा रहे है, कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहे है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहे है कि ना। ठीक है। मैया, ऐसे दुखी हो के आधे अधूरे मन से मते जाओ मैया, अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, नंदलाला। क्षमा करना मैया बाबा, आप यहाँ रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है, उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे। अभी तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर जे सांड। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहां वहां क्या, कछु भी तो ना है यशोदा, चलो। प्रतीक्षा करनी होगी वर्षासुर। सुनी आपने? क्या? वो विचित्र सी दहाड़। यशोदा वन है, यहाँ विचित्र दुनिया सुनाई देंगी ना, और मैंने जो सुनी वो खूब विचित्र दहाड़ ना थी, वो तो किसी गाय या बछड़े के रंभाने की पुकार थी। आपको क्या लगता है मैं गाय के रंभाने में और दहाड़ में अंतर ना समझती? बहुत विचित्र सी ध्वनि थी जी, कछु असामान्य था, बहुत भयानक था। भयानक? ऐसा क्या देख लियो यशोदा तुमने? कोई विचित्र सा मानव था। हाँ, और उसका मुख भी बहुत भयानक, एकदम राक्षस के जैसा।
आपने मुख देखो क्या? ना, बातें बना रहा हूँ उज्जवल की तरह, तुम्हारी तरह। मैं बातें ना बना रही, सच्ची कह रही हूँ जी। तब तो हमें शीघ्र ही कान्हा के पास लौट चलना चाहिए। हाँ जी। ना, लल्ला तो स्वांग कर तो ही है, लल्ला की मैया भी कम ना है। उसने कैसे बड़ी बड़ी बातें करके, भावुक होने का नाटक करके हमें वापस भेज दी, और अब तुम ये नाटक करके उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ यशोदा, और जय सिद्ध कर दो कि तुम उस पर विश्वास ना करती। पर मैं ना चाहूं, मैं उस पर विश्वास करूंगा क्योंकि मैंने वचन दियो। मैं घर जा रहा हूं। रुको तो, मैं सच्ची कह रही हूं। सुनो, आपने मेरी बात ना मानने की सौगंध खाई है क्या? मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। इनके साथ माथा फोड़ के ना कछु लाभ ही ना है। एक मैया की चिंता अन्य मैयाएं ही समझ सकती हैं। मेरे सखा सच में अद्भुत है। किसी सामान्य बालक की तरह अपने प्रियजनों का झूठा खा रहे हैं, और ये ग्वाल बाल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रभु का झूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगता है उस विष्णु अवतार को मेरे आने की सूचना मिल गई और वो मुझ पर दृष्टि रख रहा है। बार बार मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दृष्टि से बचकर उस तक कैसे पहुंचना है। काका, लियो काका, मैया के पास ले जाओ इसे। ले जाओ? पर क्यों काना? इतनी शीघ्र भूल गए? मैया ने क्या कही थी भोजन के बारे में? भोजन समय पे कर लियो, और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। समझ गए हो काना? पर मेरे खाने की सूचना पाए बिना मैया भोजन ना करेंगी और जल भी ना पिएंगी, और आप यहाँ बच्चों के पंख गिर रहे हो। उन्होंने भी तो कही थी ना, आप उनको मेरी भोजन करने की सूचना दो।
भर के भोजन करो है। मुझे तो तीव्र नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सो जाओ विष्णु अवतार, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी नींद में सुला दूंगा मैं कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। पर उससे पहले इस बालक को अपने मार्ग से हटाना होगा मुझे। सब सो गए और तो और काना भी सो गया। बड़ा दाऊ होने की यही हानि है, मैं नहीं सो सकता, मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। दाऊ तो पैरे पर है, यदि ये नहीं सोए तो बच्चासु का वध कैसे करूंगा मैं। कोई बात नहीं काना, तुम छोटे हो मुझसे अधिक, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो, मैं छोटा हूँ, अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो, जाओ विश्राम कर लो। आओ बच्चा सुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार, मैंने कहा था ना, इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या बुरी, तुम तो कछु खा रही ना रही। अच्छे से खाओ। अरे घुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगी ना चराने के लिए। खड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है, कछुआ अनुचित करो है या करने वालों है, तो बता दे, क्षमा कर दूंगा। बहुत दयालु हूं मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या होगा इतने विचलित क्यों, शांत हो जाओ। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुमने भोर से कुछ भी नहीं खाया है, बस रम बात किया है। इतनी दूर मथुरा से यहाँ तक आया, बेलताओं से स्वयं को मुक्त कराया है, खड्डे से अपने आप को बाहर निकाला है, श्रम तो किया है तुमने, है ना बच्चा सुर, है ना बच्चा सुर। इसने पहचान लिया मुझे। अब जब आई गए हो तो वृंदावन की घास चर रहो, ऐसी मीठी घास तुम्हें मथुरा में भी ना मिली होगी, मामा कंस का राज्य है। महाराज कंस सही थे, केवल मैं ही हूँ जो इसके इतना निकट आ पाया हूँ, अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। है वत्सासुर, ये जाल है, इसका छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा।
है।